हेलो गाइज, वेरी वेरी वेलकम टू माय चैनल। और बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रही हूँ यार, मेरे को लग रहा है पता नहीं कितने सालों बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। बट आई एम रियली सॉरी बिकॉज एज यू गाइज नो दैट आई एम प्रेग्नेंट, दैट्स व्हाई आई एम नॉट फीलिंग सो वेल कि मैं बैठ के कुछ वीडियो बनाऊँ। एंड आई डोंट रियली नो व्हाट टू डू बिकॉज मोस्टली इस पेज के ऊपर राजपूती कॉन्टेंट ही जाता है एंड आई डोंट रियली हैव ऑल दैट आयर्स एंड स्टफ। बट मैं अभी कुछ लोगों की मेरे पास रिक्वेस्ट थी कि दे वॉन्ट टू सी कि मैंने क्या क्या खरीदा है बेबी के लिए। अब एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ सबसे पहले। आई नो कि इंडिया के अंदर हम बेबी आने से पहले कुछ भी नहीं लेते हैं, बट एज यू गाइस नो कि आई लिव इन इटली, तो यहाँ पे मेरे पास में ज़्यादा फैमिली नहीं है जो कि मेरे लिए आफ्टर स्टफ लेके आ सके। और साथ ही में हमको हॉस्पिटल में भी एडवांस में सामान देना होता है ताकि नर्सेज एंड डॉक्टर्स वगैरह सब प्रिपेयर रहे कि जब भी बेबी आए उनके पास में सब कुछ सामान रेडी हो ऑलरेडी। तो मैंने यहाँ पे कुछ कपड़े और सब कुछ क्लोथिंग वगैरह सब मंगवा के रख लिया है। मोस्टली मैंने ब्लैक फ्राइडे पे अभी शॉपिंग करी थी क्योंकि ब्लैक फ्राइडे पे बहुत ज्यादा सेल मिलती है एंड एज यू गाइस नो दैट आई लव सेल। और ये जो वीडियोस है हॉल वाली बेबी के स्टफ वाली दो पार्ट में आएगी। एक तो आएगी सारे क्लोथिंग की जो कि है ये वीडियो, और एक आएगी बाकी के जो भी स्टफ बचता है तो वो वाली वीडियो आएगी पार्ट 2 के अंदर। तो अगर आपको अच्छी लगी तो मुझे प्लीज कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कैसी लगी है एवरीथिंग। ठीक है, तो बिना और कोई देर किए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। Let's do it. Okay guys, हमने ये जो काफी सारी शॉपिंग है ना, ये ऐसा नहीं है कि एक साथ करी है, हमने धीरे 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 करके गई है कि हम कभी गए और हमें कुछ चीज अच्छी लगी तो वो हमने ले ली। तो इस तरीके से हमने लिया है। तो फर्स्ट प्रोडक्ट यहाँ पे एक लिया है जो हमने बहुत पहले ले लिया था, विच इज दिस ब्यूटीफुल सी छोटी सी टोपी जो कि मेरे को नहीं लगता कि ये न्यूबॉर्न साइज की है, बट ये आई थिंक आ जाएगी 2-3 महीने में जब तक सर्दियां रहेगी। तो दिस इज द कैप जो आई थिंक ये वन ऑफ द फर्स्ट पीसेस है जो कि हमने शायद बहुत पहले ले लिए थे, हमको उस टाइम जेंडर नहीं पता था इसलिए। और दूसरी चीज है ये बहुत ही क्यूट सी बूटीज क्योंकि जो बेबी होगी तब सर्दियां होगी उस टाइम के अंदर, तो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल जब भी हम बाहर जाएंगे। आई मीन वैसे तो नहीं, बच्चों को बूटीज नहीं चाहिए होती है बट सर्दी से प्रोडक्ट तो करेगी एटलीस्ट है क्योंकि बच्चों के पैरों में सॉक्स नहीं टिकती है। ठीक है, ये बहुत ही क्यूट है, बहुत ही फरी सी है, इसके अंदर और भी कलर्स थे बट हमें उस टाइम पे जेंडर नहीं पता था तो हम इसलिए जेंडर न्यूट्रल ये क्यूट सी बूटीज पिक करी है। आई रियली लव दैम। और दूसरी बात कि मैं काफी सारे प्रोडक्ट्स की लिंक नहीं दे पाऊंगी, कुछ प्रोडक्ट्स जो है जो इंडिया के अंदर अवेलेबल होंगे जैसे कार्टर वगैरह के, और ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि इंडिया के अंदर अवेलेबल है और कुछ ऐसा है जो कि नहीं है, तो जो भी होंगे वो बता दूंगी आपको। फिर हमने सेकंड ये रिसेंट परचेज किया है, ये H&M का है तो ये इंडिया के अंदर मिल जाएगा आपको पहली बात तो ये है पूरा 1C जो कि मैंने यार लिया तो थोड़ा बड़ा है, 2 से 4 महीने के साइज का है, बट 2 से 4 महीने की जब वो होगी तो यहाँ पे सर्दियां खत्म हो जाएगी। बट मैंने बड़ी साइज इसलिए ली है क्योंकि ईशा को हमेशा से साइज बड़ी आती है, तो आई डोंट नो अगर इस वाली बेबी को भी अगर साइज बड़ी आई तो दिस विल बी रियली हेल्पफुल, बाकी पता नहीं। बट दिस इज परफेक्ट सर्दियों के लिए, बाहर जब भी हम जाते हैं क्योंकि बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स होते हैं बेबी होने के बाद में भी, बहुत बार बाहर निकलना पड़ता है, तो इसलिए दिस विल बी परफेक्ट एंड दिस इज सो क्यूट लाइक लुक एट दिस एंड आई रियली लाइक दिस। और मुझे जिपर वाले बहुत कंफर्टेबल लगते हैं और साथ ही में इसके अंदर मिटन्स भी हैं तो कोई भी सर्दी लगने के चांसेस नहीं है। तो हो सकता है कि इंडिया के स्टोर्स पे मिल जाएगा ये, एंड अगर नहीं तो मिंत्रा या फिर H&M के ऐप के ऊपर आप चेक कर सकते हो। देन उसके बाद में मैंने लिए हैं यहाँ पे ये, देखो मेरे पास जो भी हाथ में आता जा रहा है वो मैं दिखाती जा रही हूँ। अच्छा, ये 3 के सेट लिए हैं मैंने। अगर आप मेरे ब्लॉगिंग चैनल को फॉलो करते हो उसका नाम है जस्ट पूनम, तो आपने ये ऑलरेडी देखे होंगे, और अगर नहीं करते तो मुझे जाके सब्सक्राइब करो। वहाँ पे मैं जितना हो सकता है उतना ब्लॉग करती हूँ, ऐसे लाइक डेली ब्लॉग्स मैंने स्टार्ट किए थे बट वो तो मैं नहीं कर रही हूँ, बट बीच बीच में व्लॉग्स आते रहते हैं। तो इफ यू वांट टू वॉच माय व्लॉग्स देन डू सब्सक्राइब देयर क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी मैं दिखा चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैंने ली है ये गाउन्स जो कि रात के लिए परफेक्ट है, ये पूरे पैर से नीचे तक आता है बेबी के, लाइक बेबी इतना होता है और पूरा कवर करता है, तो रात को डायपर वगैरह चेंज करने में बहुत ईजी रहता है एंड इट्स वेरी वेरी कंफर्टेबल एंड सॉफ्ट ऑल्सो। ये जो है कॉटन का, जो रात को अपने वजह से वैसे बेबी को सुलाते हैं तो उसको कुछ उड़ा के सुलाते हैं, तो दिस इज कॉटन इज परफेक्ट नाइट के लिए एंड दिन में भी, मतलब अगर कहीं बाहर नहीं जा रहे तो पहन सकते। दूसरी बात ये कि बहुत ही आराम से कर्ल अप होके और मिटन बन जाता है क्योंकि एज वी मतलब मोस्ट पीपल नो दैट कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके नाखून बहुत शार्प होते हैं एंड अपने आप को स्क्रैच करके अपने फेस के ऊपर स्क्रैचेस कर लेते हैं, तो ये ऐसा मिटन भी काम करेगा विच इज नाइस। तो ये इसके अंदर बहुत ही प्यारे प्यारे पैटर्न है, आपको दूर से नहीं दिख रहे होंगे बट इसके अंदर ये बहुत ही क्यूट से फ्लैमिंगोज बने हुए हैं। एंड यहाँ पे मेरे पास में दूसरा पीस है जिसके ऊपर बहुत ही क्यूट से फ्लावर प्रिंट है एंड देन द थर्ड पीस इज दिस वन एंड इसके ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे एनिमल्स बने हुए हैं। ठीक है जी, अब है अपने पास में क्या आता है। अच्छा अब ये मैंने अच्छा ये आपको कार्टर की है तो आराम से आपको फर्स्ट क्राई पे या फिर कार्टर की वेबसाइट पे मिल जानी चाहिए। एंड आई विल ट्राई कि मैं लिंक फाइंड करके भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ, बट आई कांट अश्योर यू क्योंकि आई हैव बीन वेरी वेरी बिजी नाउडेज। बट आपको इजिली फर्स्ट क्राई पे कार्टर में मिल जाना चाहिए इफ यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग। और कार्टर की अच्छी बात यह ना कि हमेशा सेट में आते हैं और इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी आती है, तो इसलिए आई लव द कार्टर। देन उसके अंदर मैंने लिए ये वनसीज जो कि है सेम वही कार्टर ब्रांड की, और इसके अंदर ये मैंने साइज सारे 0 to 3 months लिए क्योंकि 0 months की मेरे पास में ऑलरेडी ईशा की रखी हुई थी और वो 15 दिन चाहिए होती हैं, तो फिर वो आई थिंक वही रीयूज करूंगी मैं। बट बाकी के 3 महीनों के लिए ये है। ये यूजुअली मैं इसके नीचे पहनाती हूँ जो भी ये आपको गाउन दिखाए उसके नीचे, ताकि बच्चे के लिए एक लेयर और हो। यूजुअली लेयर्स रिकमेंड की जाती है। और साथ ही में ईशा के जो हॉस्पिटल बैग है उसके अंदर भी उन्होंने जो एक लिस्ट देते हैं यहाँ के डॉक्टर्स जो कि हमको फुलफिल करनी होती है, उसके अंदर भी ये हमको 5 वनसीज उन्होंने मंगवाई है बिकॉज आई विल स्टे देयर फॉर अप्रॉक्स 3 days, तो उनको कम से कम 5 वनसीज चाहिए। ठीक है, सो एक तो है ये बहुत ही क्यूट सी वाटरमेलन प्रिंट के अंदर, एंड देन वी हैव दिस वेरी क्यूट वन इन हार्ट प्रिंट्स एंड दिस फ्लोरल प्रिंट, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। एंड देन ये सेम वही प्रिंट है जो कि अभी मैंने आपको एक एनिमल प्रिंट दिखाया था गाउन के अंदर, तो ये मैची मैची भी हो गया है। एंड देन वी हैव दिस लेमन प्रिंट, एनिमल बहुत क्यूट लगते हैं ऐसे येलो प्रिंट्स व्हाइट के ऊपर, एंड दिस पिंक प्रिंट डायनासोर प्रिंट। तो ये हो गई अपनी सारी वनसीज, और ये थोड़ी मैंने साइज बड़ी रखी है मोस्टली कपड़ों की क्योंकि आई डोंट नो साइज क्या रहेगी। थोड़ी प्लस साइज होती है तो हमेशा चल जाती है, मगर छोटी आ जाती है तो फिर वो नहीं। अच्छा मैं सेल्स पे हमेशा देखती रहती थी कि कभी भी सेल मिले, तो ये बहुत पहले मैंने मंगवाया था। सो ये जो है बहुत ही जरूरी चीज है, जो भी मम्मी है उनको पता होगा, और जो नहीं है अगर आप मॉम टू बीज है तो ये तो जरूर लेना क्योंकि बच्चे जो है बहुत ज्यादा उल्टियाँ करते हैं, बहुत ज्यादा। और अगर आपने इसको उनको ये नहीं लगाया हुआ है, बिब नहीं लगाई हुई है, तो अपने कपड़े गंदे कर लेते हैं, फिर कपड़े चेंज करना इज अ हेडेक क्योंकि न्यू बॉर्न एकदम होते हैं फ्लावर की जैसे और उनको ऐसे ही धीरे धीरे उठा के चेंज करना इज बिग डील। तो ये मैंने ये मंगवाए अभी इस टाइम पे, ताकि जो भी वॉमिट होती है वो इंस्टेंटली अपनी क्लीन करके और सिर्फ अपने को यही वॉश में डालना होता है इंस्टेड ऑफ पूरे कपड़े वॉश में डालने के लिए। ये पूरा सेट था और ये H&M का है, तो ये आपको अगर ये वाला चाहिए तो ये वाला भी आपको इजीली इंडिया में मिल जाएगा। बाकी बहुत सारे डिजाइन भी मिल जाती है Amazon फर्स्ट क्राई के ऊपर, बहुत क्यूट क्यूट सी। मैंने इसलिए लिया था क्योंकि ये सेल में था एंड और ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट भी है और वी नीड सॉफ्ट स्टफ फॉर बेबीज राइट। ये 3 इसके अंदर डिजाइन है और इस 3 डिजाइन के ये 2 सेट्स है, मतलब 6 ये पूरे हैं और मुझे और भी चाहिए होंगे आई नो, बट मैं सोच रही हूँ कि बाद में फिर जब बेबी आ जाएगी तब और लेते रहेंगे, अभी के लिए एक बार खरीदना ठीक है। देन उसके बाद में मैंने ये भी बहुत पहले मंगा लिया था क्योंकि अगेन मेरे को एक बार सेल में दिखा था। ये एक पूरा सेट था, ये भी अगेन H&M का ही है और इसके साथ में ये मैचिंग टी शर्ट है, शर्ट टाइप की, तो ये घर पे वगैरह पहनने के लिए सही रहेगा, लाइक दिन के अंदर पहनने के लिए, रात को भी पहना सकते हैं वैसे तो, बट आई थिंक इट्स नाइस। ये 1 to 2 months है। अच्छा इसके साथ में सेट था दोनों का, जिसमें ये 2nd number का सेट है जिसमें एक प्लेन पिंक पैंट है और साथ में ये दूसरा टी शर्ट है। अच्छा इनकी अच्छी बात ये है H&M की कि इनके साथ जो कपड़े आते हैं मोस्टली बहुत ज्यादा सॉफ्ट आते हैं, तो इट्स वेरी गुड फॉर बच्चों की स्किन के लिए। ठीक है यार मैंने ना अभी तक ज़ारा अच्छे से ट्राई नहीं किया था, ज़ारा बाकी लोग बोलते हैं ज़ारा के भी कपड़े बहुत अच्छे आते हैं। ओके जी ये हो गए कुछ कपड़े यार मैंने ऐसे ले लिए क्योंकि वो सेल में होते हैं, तो फिर मेरे को लगता है कि यार लेना चाहिए क्योंकि बच्चे बहुत उल्टियाँ करते हैं, बहुत कपड़े गंदे करते हैं, तो और मैं यहाँ पे अकेली हूँ तो मेरे पास मेरा टाइम भी नहीं होगा इनकेस यू नो, तो मेरे को ऐसा चाहिए कि मतलब कभी कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ठीक है ये मैंने 2 कपड़े लिए थे, बेबी जब होगी तो उसके टाइम पे हाथों हाथ पहनाने में, तो आपको मोस्ट प्रोबेबली बेबी फर्स्ट जो फोटोज है वो इसी कपड़ों में देखने को मिलेगी। अच्छा ये मैंने अपने हॉल पहले ब्लॉग में भी दिखाया हुआ है तो आपको वापस दिखा देती हूँ। दिस इज फ्रॉम कीको, ये कीको का है और इसके ऊपर बहुत ही क्यूट से प्रिंट है ये, और ये फैब्रिक जो है इसका ये है वेलवेट जो कि सर्दियों के लिए बहुत परफेक्ट है। ये 0 to 1 month की साइज का है एंड इसके अंदर दूसरा एक कलर था, दोनों सेट थे। ये दूसरा कलर है पिंक, इसके ऊपर भी बहुत ही क्यूट सा टेडी बेयर बना हुआ है, ये भी 0 साइज में है। तो ये 2 ही कपड़े मैंने लिए हैं 0 साइज के अंदर, दोनों बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं मेरे को। ये तो ये सर्दियों के लिए भी परफेक्ट है क्योंकि आई थिंक फरवरी के अंदर काफ़ी सर्दी होनी चाहिए। बस इसकी एक चीज़ जो मुझे नहीं पसंद है वो है कि इसके अंदर पीछे तो इसके अंदर क्या है कि पीछे की साइड में ये बटन्स है जो कि बहुत ही बच्चे को चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाती है इसके अंदर, तो बस ये परेशानी है। बाकी तो बड़े कुछ चीज़ें क्यूट भी लेनी पड़ती है क्या करें, परेशानी हुई तो होती रहे। ठीक है जी, देन मेरे पास में ये पैकेट जिसके अंदर मैंने सब कुछ इकट्ठी करके रख दिया है। तो मोस्टली मैंने सॉक्स नहीं मंगवाई है क्योंकि सॉक्स जो भी मेरे जितने भी ड्रेसेस हैं मोस्टली उनके अंदर पैर वाले जो पैर पूरे कवर होते हैं, तो इसलिए मैंने नहीं मंगवाई है। बट कुछ ड्रेसेस एक दो ऐसी जिसके लिए अंदर सॉक्स की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैंने ये सेट मंगवाया था जिसके अंदर है बहुत ही क्यूट सी छोटी छोटी सॉक्स। एक तो ये है, ये भी H&M का ही है और ये पूरा सेट था 3 सॉक्स का, एंड तीसरी है ये वाली। तो ये बहुत ही छोटी छोटी है बट इसके पैरों में टिकती तो है नहीं। देन उसके बाद में मैंने मंगवाया ये कैप्स की सेट, क्योंकि जो कि पता नहीं आएंगे भी नहीं आएंगे क्योंकि बेबीज का फेस यूजुअली बहुत स्मॉल होता है, बट मैंने मंगवा लिए क्योंकि घर के अंदर यूजुअली गर्मी होती है बट फिर भी कैप रखनी होती है। तो ये कॉटन की कैप्स हैं, वुलन मेरे पास में एक मैंने खरीदी और कुछ मेरे पास में ईशा की भी रखी हुई है, तो वो मैं यूज करूंगी। बट घर के लिए मैंने ये 5 सेट, पूरा सेट आ रहा था मिटन्स और कैप का जो कि सेल में था, तो इसलिए मैंने ले लिए। इसमें सब मैचिंग मिटन्स है इन्हीं कैप्स के। इसके कलर आपको दिखा देती हूँ। एक तो ये बेबी पिंक है, देन वी हैव दिस ग्रे वन, देन वी हैव दिस वाइट वन, एंड अ लिटिल थोड़ा सा डार्क पिंक है ये, एंड ये थोड़ा सा स्किनिश ब्राउनिश पिंक है और ये हल्का सा ब्राउनिश पिंक में आ जाता है। और इन 5 के जो है कैप्स के कलर मैचिंग है। तो ये हो गए अपने मिटन्स, कैप्स, सॉक्स। अभी अगर आप देख रहे हो कि इतना सारा स्टफ मैंने क्यों लिया है, मोस्टली मैं बताऊँ ना तो सारा स्टफ मेरे को हॉस्पिटल की जो लिस्ट है वो कंप्लीट करने के लिए मंगाया, क्योंकि उन्होंने जो लिस्ट बना के दी है उसके हिसाब से मुझे पैकेट्स बना के वो देने हैं और उन सब के अंदर मेरे को एक पीस डालना है, इसलिए मुझे ये इतनी चीजें लेनी पड़ी है। बाकी अगर अपने घर पे रहते तो वी डोंट रियली नीड डिफरेंट पैकेट्स या फिर बहुत सारे प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए होते हैं। देन उसके बाद मेरे पास में कार्टर की वनसीज है। अच्छा, मेरे को इसी टाइप की वनसीज और भी चाहिए थी बट क्योंकि मैंने ऑलरेडी लेके रख लिया तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी एक बार के लिए 2 ही काफी है ये, और बाद में जैसे जरूरत मुझे फील होगी तो मैं और ले लूंगी। तो ये है फर्स्ट वनसी जिसके अंदर बहुत ही प्यारे से फ्लावर प्रिंट्स हैं, और ये इसलिए मेरे को पसंद है क्योंकि इसके अंदर जिपर ऊपर भी है और नीचे भी। लेट मी शो यू, ये ऐसे भी खुलती है ऊपर से भी अगर सपोज बेबी ने वॉमिट कर दिया है तो, और अगर आपको डायपर चेंज करना है पूरा नहीं खोलना है तो सिर्फ ये नीचे से भी खुलती है। तो आई थिंक दिस इज वेरी नाइस। और उसके जो पैर है उसके ऊपर बहुत ही क्यूट से यहाँ पे ये शीप है, ये लाम है, पता नहीं क्या है बनी हुई है क्योंकि बहुत क्यूट है। एंड ये इसका फैब्रिक भी ना बहुत पतला भी नहीं है और बहुत मोटा भी नहीं है, परफेक्ट है सर्दियों के लिए घर के अंदर पहनाने के लिए। सो दिस इज द फर्स्ट पीस। अब ये सेट में आई थी तो ये इसका दूसरा पीस है जिसके अंदर सेम फीचर्स हैं बस इसमें बेयर बने हुए हैं, ये वाले बेयर बने हुए हैं इसके ऊपर, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी क्यूट। तो ये हो गया अपना सेकंड पीस। उसके बाद में अगेन अभी मैंने रिसेंट में मंगवाया था, ये थोड़ा बड़ा साइज का भी है, आई थिंक 4 महीने का होना चाहिए, 2 से 4 महीने का ये, बट ये क्योंकि मुझे इसके प्रिंट बहुत अच्छा लगा था। ये बटन वाला है, वैसे बटन वाला सही मतलब वेरी टाइम कंज्यूमिंग क्योंकि अगर अपनी रात को पहना के सोते हैं ना तो हम, या फिर दिन में पहनाते हैं तो जब उसको डायपर चेंज करते हैं ना मैं हमेशा एक बटन ऊपर नीचे लगा देती हूँ, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। वैसे चैन वाले में भी अपने को बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि बेबी की स्किन नहीं आ जाए बीच में, तो इसलिए ध्यान तो सब में रखना पड़ता है। बट या दिस वॉज वेरी क्यूट। इसके अंदर एक तो पैर नहीं तो सॉक्स पहनानी पड़ेगी, बट दिस इज मेरे को बहुत प्यारा लगा। ये था H&M का। यस, मेरे को सेल देख के तो ऐसे पता नहीं क्या ही हो जाता है खुद उसके तो बाकी का ये स्टफ जो दूसरा बच रहा है ये भी सेल का ही है मोस्टली। ये है 0 मंथ की वनसीज, ये फुल साइज में है। ये मैं एक्स्ट्रा जो कपड़े होते हैं ना बेबी के हॉस्पिटल में वो लेके जाऊंगी। ये हैरी पॉटर स्टाइल है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन हैरी पॉटर एट ऑल बट अगेन सेल में इसलिए ले लिया। तो ये मेरे को जब मैं वहां से वापस आऊंगी ना घर स्टार्टिंग के फर्स्ट मंथ में तो ये वाले काफी काम आने वाले हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद में मैंने लिए ये 5 टाइट्स का सेट था पूरा, और ये गर्म है तो ये मेरे को काफी काम आने वाली है जब भी मैं बाहर लेके जा रही हूँ या फिर मैं कोई ड्रेसेस वगैरह पहना रही हूँ तो उसके नीचे ये बहुत काम आती है। मैं ईशा को भी अब तक ये टाइट्स पहनाती हूँ इस टाइप की, और ये बहुत सही रहती है क्योंकि पूरा पैर भी कवर कर लेती है, गर्म भी रखती है, एंड ड्रेसेस के नीचे बहुत ही अच्छी भी लगती है। इवन आप वनसीज और टी शर्ट्स के नीचे भी इसको पहना सकते हो। आई लव दैम। तो ये मेरा लास्ट बैग बच रहा है जिसके ऊपर लिखा तो H&M है बट ये एक्चुअली में शीन से है। इसके अंदर सारे फैंसी स्टफ है क्योंकि शीन की जो है क्वालिटी इज नॉट दैट बहुत बढ़िया नहीं मान, मतलब अच्छी आती है बट बहुत, मतलब हमेशा नहीं अच्छी आती है, कभी कभी धोखा भी दे देती है चीज तो। बट ये मैंने ये मोस्टली फोटोशूट के लिए मंगवाए हैं, उसके जो हर महीने के फोटोशूट होंगे उसके लिए मंगवाए हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको स्टार्टिंग के 3-4 महीने की फोटोशूट की ड्रेसेस अभी देखने को मिल जाएगी, विच इज ओके आई मीन। और मैंने और भी कुछ एक्सेसरीज भी मंगवाई है तो मैं सारा इसके अंदर दिखा देती हूँ आपको। सबसे पहले तो मैंने मंगवाई हेयर बैंड, जो कि वैसे तो जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि शी इज कमिंग इन सर्दी, शी इज कमिंग इन विंटर्स, तो हमेशा कैप ही पहन के रहेगी बट उसके बाद में भी पहन सकते हैं बिकॉज दे वर सो क्यूट और बहुत सस्ते थे ये, इसलिए मैंने ले लिए और फोटोशूट वगैरह में भी काम आएंगे। वैसे मैंने इरिशा के भी रखे हैं बट स्टिल आई थिंक दिस इज सो क्यूट एंड ब्यूटीफुल और इसके बहुत सारे डिजाइन हैं। और ये जो हेयर बैंड्स हैं सारे बेबी फ्रेंडली हैं, मतलब इनके जो ये जो इलास्टिक है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है और एकदम स्टॉकिंग मटेरियल से बना हुआ है तो बिल्कुल भी हेड को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखते हैं कितना अपने ड्रेसअप करते हुए को कितनी हिम्मत रहती है मेरी, बट या देन ओके आई गॉट फ्यू ड्रेसेस आल्सो क्योंकि यार लाइक बच्चे को ड्रेसेस तो पहनानी होती है कभी कभी। तो ये मैंने फर्स्ट ड्रेस ली है, तो ये क्रीम कलर की सी है, स्किन कलर की सी, और इसका जो फैब्रिक एकदम कॉटन है, इसके ऊपर कुछ नीचे फ्रिल्स सी है और साथ में ये इसका बेल्ट है, सॉरी ये शायद बेल्ट नहीं है, इसका हेयर बैंड है मैचिंग, इसका हेयर बैंड है जो कि बनाना पड़ेगा ऐसे। और इसका फैब्रिक पूरा कॉटन है और साइज इसकी 3 मंथ है, तो जब तक आई गेस कि मैं इसको गर्मियों में भी पहना सकती हूँ क्योंकि थोड़े टाइम बाद में गर्मियां भी आ जाएगी। तो ऐसे मैंने इंस्टाग्राम पे देखा है बहुत सारे न्यूट्रल कपड़े पहनाते हैं बच्चों को, जो कि मैंने ईशा को तो कभी नहीं बनाए हैं बट ये मेरे को बहुत क्यूट लगी यार। ये एक्चुअली में मेरी मैंने जैसे मेरे को पता चला था ना कि आई एम हैविंग अ बेबी गर्ल, वैसे ही मैंने ये ऑर्डर करे थे बिकॉज आई एम सो एक्साइटेड। ठीक है, देन आई गॉट दिस ड्रेस। ये एक्चुअली में बहुत छोटी है, ये 1 या 2 महीने के साइज की होगी और ये पूरी तरीके से गर्म है, इसका जो पूरा फैब्रिक है पूरी तरीके से वुलन है और इसके नीचे स्कर्ट है ना तो बहुत सारा वो है घेर टाइप्स। अच्छा, अब शीन की जो रेप्लिकास होती है वो बहुत सारे इंडिया में मिलती है, जैसे कि बेबी मॉम करके वेबसाइट है और बहुत सारे इंस्टाग्राम स्टोर्स हैं जो कि बच्चों के कपड़े एक्जैक्ट सेम मैंने देखे हैं। इफ़ यू ऑल्सो वांट टू बाय तो आप चेक कर सकते हो इंस्टाग्राम स्टोर्स में, एक आधा जो भी मेरे को याद है वो मैं लिंक कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। अच्छा, इसके साथ में आया है बो, जो कि मुझे लगता है काफ़ी बड़ा है उसके फेस के लिए क्योंकि बच्चों का फेस बहुत छोटा होता है, बट आई होप कि दिस विल लुक क्यूट। ठीक है, दिस इज द सेकेंड ड्रेस। देन वी हैव दिस ड्रेस, इसके ऊपर छोटे छोटे हार्ट बने हुए हैं क्योंकि वो शी विल बी हियर इन वैलेंटाइंस मंथ, वो वैलेंटाइंस मंथ में आएगी तो मैं सोच रही हूँ उसका एक छोटा सा फोटोशूट कर देंगे इस टाइप की ड्रेस के अंदर, अगर मेरी हिम्मत होगी तो भगवान करे, बट या। और इसके साथ में ये हेयर बैंड है और नई भी होगी तो बाद में कर देंगे, जरूरी थोड़ी वैलेंटाइन मंथ पे करें, यू नो। इस बार आई रियली वांट टू प्रायोरिटाइज माई हेल्थ। देन आई गॉट दिस बिब, जो कि बहुत ही क्यूट है, जिस बाकी की बिब्स जो घर के लिए सही है बट अगर कहीं मुझे बाहर लेके जाना है उसको तो दिस विल लुक सो क्यूट। ऐसी मेरे पास में इरिशा की भी रखी हुई है काफी, तो वो भी है बट ये वाली भी मेरे को अच्छी लगी, तो दिस इज इट। एंड ये सब जो मोस्टली बहुत ज्यादा वो मुस्लिन कॉटन फैब्रिक आता है उसके अंदर है, तो इनकी क्वालिटी काफी अच्छी है। देन आई गॉट दिस क्यूट लिटिल सॉक्स, जो कि इसके ऊपर बहुत ही प्यारा सा ये बो बने हुए हैं, आई थिंक दिस इज आल्सो वेरी वेरी ब्यूटीफुल। एंड देन वी गॉट दिस बड़ी वाली सॉक्स इस टाइप की, ये भी ड्रेसेस वगैरह के साथ में अच्छी लगती है। इसका एक तोड़ दिया है ईशा ने, तो मुझे इसको फिक्स भी करना है, देखते हैं कब होता है ये। आई थिंक जल्दी हो जाएगा क्योंकि मुझे सब पैकिंग वैकिंग भी करके रखनी है, हॉस्पिटल बैग मेरा भी 8th मंथ हो रखा है बट आई एम लाइक 8th मंथ स्टार्ट हो गया है तो आई एम जस्ट ऑलवेज स्ट्रेस्ड कि मुझे ये करना है ये करना है। To-do list to do, and I also have to clean the house because I'm nesting so badly कि मैं हर टाइम कुछ ना कुछ करती रहती हूँ आजकल, and I'm just so exhausted, but still I have things to do. बीच-बीच में अपडेट भी दे जा रही हूँ। खैर, then we have this last piece of onesie, जो कि आपको फोटो में दिख रहा होगा, which is very shiny and velvety type of, ठीक है। ये मेरे को बहुत ही प्यारी लगी थी, but इसका fabric is not that nice अंदर से, it's kind of synthetic, like बाहर से तो ये पूरा velvet है, but अंदर से इतना अच्छा नहीं है, तो मेरे को उसको अंदर एक onesie पहना के फिर इसको पहनाऊंगी, because मेरे को लगता है कि इसका जो touch है, this will be so nice for her, तो ये mostly मैं सिर्फ एक photoshoot के लिए पहनाऊंगी, and then I will not use it, ठीक है। तो सिर्फ फोटोशूट के लिए अच्छा है, तो इसलिए शीन का कुछ पता नहीं है, कभी अच्छा होता है कभी अच्छा नहीं होता है। और इसी के साथ में हमारा क्लोथिंग हॉल हो गया पूरी तरीके से खत्म। अच्छा, कुछ में आप कुछ लोगों को लग सकता है कि ये बहुत ज्यादा कपड़े हैं, कुछ लोगों को लग सकता है कि नॉट दैट इनफ, तो इट्स एक्चुअली डिफरेंट ओपिनियन फॉर डिफरेंट पीपल, बट पर्सनली मैंने ईशा के लिए ज्यादा शॉपिंग नहीं करी थी, तो इस बार आई रियली वांटेड टू गेट मोस्ट स्टफ, एंड मोस्ट ऑफ द स्टफ इज ऑन, जो मैंने 50% से भी ज्यादा ऑफ में लिए हुए हैं बिकॉज आई एम अ सेल लवर, सो इट वॉज नॉट सो हैवी ऑन माई पॉकेट। एंड बस तो इंडिया के अंदर अपने जल्दी नहीं लेते हैं सामान, बट आई विल सजेस्ट अगर आपको भी कुछ सेल के अंदर दिख रहा है तो आप खुद मत लो, किसी और से, आपकी फ्रेंड से या किसी को भी बता सकते हो कि यू कैन बाय दैट फॉर मी, क्योंकि आई थिंक खुद पेरेंट्स नहीं लेते हैं बट फैमिली ले सकती है। सो या, और यू कैन मेक अ विश लिस्ट और ऑर्डर इट एस लाइक जैसे बेबी आए वैसे ये फटाफट ऑर्डर करो तो ये भी कर सकते हो। बट आई होप कि आप लोगों का पूरा हॉल अच्छा लगा होगा। आपको सबसे अच्छी कौन सी ड्रेस लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, कुछ ट्रिप्स या फिर कोई ट्रिक्स सब कुछ मेरे को प्लीज और कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। एंड नाउ इट्स टाइम टू वॉश देम, क्योंकि इनके सबके टैग्स कट करके मुझे वॉश करना है सो दैट आई कैन पैक माय हॉस्पिटल बैग। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट पार्ट के साथ मैं जल्दी आऊंगी, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।